Subscribe now and press the bell icon. Never miss. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकर्स बाबू में। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। 10 इम्पोर्टेंट सिंप्लीफिकेशन लेकर आया हूँ आज आपके बीच में, जिसका भाग 2 है। इससे पहले मैंने एक भाग फर्स्ट भी आपके लिए अपलोड कर दिया गया है, जिसको देखना आप न भूलें। अब गणित होगी आसान सिंप्लीफिकेशन के साथ। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2। पहला क्वेश्चन है 2 का 3/5 का 4/9 का 5/8। तो दोस्तों, ये जो का है इसका मतलब होता है ऑफ, इसका मतलब होता है ऑफ। चलिए पहले देखते हैं हम इसका मतलब। इसका मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, यानी कि इसका मतलब होता है कि हमें इस संख्या का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? इसका मल्टीप्लाई करना है। ये लागू होता है बोर्ड मास, बोर्ड मास। पहले ब्रैक ब्रैकेट्स कोष्टक सॉल्व करना होता है, फिर ऑफ सॉल्व करना होता है। तो हमें यहाँ पर दे रखा है ऑफ, पहले दे रखा है 2 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 4/9 मल्टीप्लाई 5/8, ये आपको दे रखा है। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 8 टू टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से 9 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे दे रखा है 3 मल्टीप्लाई 2 6, 6 को अभी 2 से डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 3 बार हो जाएगा। पीछे बचे हैं 6 4 और ये जाएगा 7 बार। तो आंसर जो आएगा वो आएगा 37, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 450 का 56%। दोस्तों ध्यान देना है, अगर आपको किसी भी संख्या का गुणा करने या गुणा करने में प्रॉब्लम होती है, जैसे यहाँ पर 45 दे रखा है। देखो, जैसे यहाँ पर मैंने आपको कहा कि आपको 18 को 15 से गुणा करना है, 18 को 15 से गुणा करना है। अब आपको ये प्रॉब्लम होती है कि 18 को 15 से गुणा कैसे करें, तो आप इसको डबल कर दो, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा, इसको आधा कर दो, इसको आधा करने पर ये हो जाएगा 9। अब 9 × 30 को अगर मैं गुणा करूँ तो 270 आंसर आता है, जो कि करने में आसानी होती है, इसको करने में आसानी होती है। तो इसी तरह हम ये भी क्वेश्चन करेंगे कि 450 है, इसको मैं 900 कर दूंगा, इसको मैं 900 कर दूंगा और 900 का ये 28% होगा, 28% यानी कि नीचे आ जाएगा ये 100, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब 28 9 से गुणा करो अगर मैं, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है मुझे, इसलिए मैं 28 को 10 से गुणा करूँगा तो 280 आएगा। अब 280 में से मुझे एक बार गुणा करके वापस निकालना है, तो 28 मुझे इसको वापस निकालना है। अगर मैं इसमें से 28 निकालूँ तो मैं पहले 30 निकालूँ तो 250 और 252 हो जाएगा, ये हो जाएगा 252। अब इधर है 300, मुझे इस तरफ एक्स ज्ञात करना है, तो अगर मैं 252 को उधर लेकर जाऊं तो मुझे इसमें से लेस करना होगा 300 में से। तो 300 में से अगर मैं 252 लेस करूं, अगर मैं 250 लेस करूं तो शेषफल रहेगा 50 और अगर दो और शेष करूं तो 48। तो आंसर आपका होगा सेकेंड नंबर ऑप्शन 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको देखो, अगर आपको आधार समान दे रखा है, जैसे यहाँ पर दे रखा है a की घात p
मल्टीप्लाई एक ही घात क्यों, तो आपकी एक ही घात जो हो जाएगी वो पी प्लस क्यों हो जाएगी है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगी, एक ही घात पी प्लस क्यों हो जाएगी। आधार समान है और घातांक अलग अलग होती हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दे रखा है 27 की घात 1.5 और 27 की घात 3.5 दे रखा है। मल्टीप्ले में दे रखा है आधार समान है तो दोनों की घात जुड़ जाएगी, तो 3, 1, 4 और 5 हो जाएगा, तो 27 की घात 5 हो जाएगा। 27 की घात ही हमें पूछी है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 5। नेक्स्ट दे रखा है 27.06 दे रखा है यहाँ पर 27.06 मल्टीप्ली 25 दे रखा है 25 दे रखा है। दोस्तों एक बात ध्यान देना है आपको कि अगर आपको किसी भी संख्या को अगर 25 से मल्टी 5 से मल्टीप्लाई करने को कहें, अगर आपको किसी भी संख्या से 5 से मल्टीप्लाई करने को कहें, 5 से मल्टीप्लाई करने को कहें, तो संख्या को आपको 2 से डिवाइड करना है और 10 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर उसी संख्या को आपको 25 से मल्टीप्लाई करने को कहे तो आपको 4 से डिवाइड करना है और 100 से गुणा करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है जिससे आपको वो गुणा मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। तो पहले ये दे रखा है 27.06 को अगर मैं 25 से गुणा करना है तो मुझे 4 से भाग देना है और 100 से गुणा करना है। ये क्यों करूँ मैं, क्योंकि अगर मैं 100 से गुणा करूँ और 4 से भाग दूँ तो ये हो जाएगा 25। दोस्तों किसी भी संख्या को गुणा करने से आसान उसको भाग देना आसान होता है। तो हो जाएगा 6 बार 24, पीछे बचे हैं तीन, 728, पीछे बचे 2, 6 की 24 और 5 और 20, 5 और 20 ये पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई करूं तो ये पॉइंट हट जाएगा और फिर भाग देने पर ये आंसर आता है 66.76 आता है। और सामने है 600, तो मुझे ये 600 में से ये घटाना है, तो अगर मैं ये घटाऊँ तो आपको पता है, अगर मैं इसको घटाऊँ तो आपको पता होगा कि आंसर जो शेषफल बचेगा वह आंसर जो आपको होगा वो होगा 76.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 से 7/8 × 2 से 4/13, तो ये जगह 8 × 32 और 7 × 39 अपॉन 8 × 6 = 34 अपॉन ये 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 39, ये हो जाएगा 4 बार, ये हो जाएगा 15 बार, ये 45/4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 320 का 125%, ध्यान दो मैंने बताया डबल सिंगल तो ये हो जाएगा 160, ये हो जाएगा 250 और डबल सिंगल कर लो ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 500 प्रतिशत ज्ञात करने तो 0 हट जाएगा, 8×5=40 आंसर आएगा इसका 400 + 125 का x% = 440 हो जाएगा। तो 40 = 125 का x% हमें ज्ञात करना है, तो 125 का x% ज्ञात करना है, तो 40 × 100 के नीचे आ जाएगा 125, ये 5 बार, ये 4 बार, ये 8 बार, 832 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई ये घातें दे रखी है, मैंने बताया था कि अगर a इंटू बी की घात p और q है तो p प्लस q हो जाएगा, अगर डिवाइड दे रखा है तो घातें हैं जो लेस हो जाती हैं, तो यहाँ पर 7.5 की घात है और यहाँ 3.5 की घात है तो ये लेस हो जाएगी और घातें हो जाएगी 4, और फिर मल्टीप्लाई है तो घातें जुड़ जाएगी 7.4 और 4 8, 8.5 इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है एक्स का 4 5/8 मल्टीप्लाई 5/8 मल्टीप्लाई 4/9 मल्टीप्लाई 3/5 ये 2 times आ जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 3 × 6 36 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर आएगा 216। समीकरण में दोनों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, देखो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 144 हो जाएगा। तो अगर मैं एक्स की इस घात हटाऊँ वर्गमूल करूँ तो इसके भी वर्गमूल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12, तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा 76 आंसर। लास्ट क्वेश्चन है 576 डिवाइडेड बाई 36 मल्टीप्लाई 85। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 1/2, पीछे 6 बचेगा आपका 1 और 2 216, ये हो जाएगा 6/16 × 85, तो इसको डबल सिंगल कर दो 8 × 170 8 56 5 8 13 1360 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा हमारे वीडियो, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और वीडियो को चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब